तो हेलो ब्रदर्स, तो कैसे हो तुम सब लोग। तो आज हम बात करेंगे बहुत दिनों के बाद बेब्लेड मेगा फोर्स के एपिसोड 10 के बारे में। जी हाँ, आज एपिसोड 10 है। मुझे बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, पर क्यों लेट हूँ इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बहुत से प्रेशर्स के बारे में, मतलब बहुत से सीरीज़ आ रहे हैं टेलीविज़न पर, जिसकी वजह से मैंने मेगा फोर्स के बारे में सोचा ही नहीं था। और वैसे भी मैंने इस सीरीज को इसलिए स्टार्ट किया था ताकि बेब्लेड की न्यू सीरीज इंडिया में ना आने तक आप लोग इसे एंजॉय कर सको। तो बस मैं इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे भी तो बेब्लेड टेलीविज़न पर अब आ ही चुका है। तो बस इस मैं जल्दी से ख़त्म करूंगा और मैं कोशिश भी करूंगा जल्दी से ख़त्म हो जाए, और इससे पहले वाले एपिसोड का आपको देख लेना चाहिए। और एपिसोड 9 में मैं नहीं था वहाँ पर, इशू मतलब वहाँ पर भी काफ़ी सारे मज़ा आया था, और वहाँ पर एस के बेवल्ट आए थे। तो एस के बेवल्ट को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि तो मैं वहाँ पर नहीं था। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इससे पहले वाले एपिसोड को भी देख लो, क्योंकि मेरे बहुत से नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता था। बस तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इससे पहले वाले एपिसोड में एस के बेवल ने फ्री वर्सेस ब्रुकलिन के बैटल दिखाया था, तो फ्री वर्सेस ब्रुकलिन का मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि ब्रुकलिन उस पर जीत जाता है, पर फ्री ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कुछ किया था। तो आगे तो उसके बाद मिस्टर डिकेंसन कहते हैं कि अगला मैच, ये वाला मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, दोनों ने ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। और इसके बाद जो अगला मैच होगा वो होगा ग्रुप सी की तरफ से, जिसमें लड़ेंगे झिंगा हगाने और शुक्रेनाई, जिससे सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि तो सबको पता है कि शुक्रेनाई और झिंगा कितने अच्छे बेबलेडर्स हैं। फिर शु कहता है कि भले ही मेरा अपोनेंट कोई भी हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, और जिंगा कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। और शू मतलब वो पूरी तरह से तैयार है, मतलब दोनों ही बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, और इसलिए आज आपको दोनों का बैटल भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर दोनों को ही स्टेडियम की तरफ बुलाया जाता है और दोनों ही वहाँ पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर एजे मतलब डीजे जैस्मिन अनाउंसमेंट करते हैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आज हमारे साथ है शू, जो कि लड़ने वाले हैं जिंगा के साथ। तो दोनों का इंटरेक्शन करवाने के लिए मैं ब्रेड और एजे का पर को कहना चाहूंगा। और फिर ब्रैड बेस्ट बोलते हैं। एक तरफ है शू कुरेनाय, जो एक सुप्रीम कोर्ट का मेंबर है एजे, और वो कई सारे चैंपियनशिप भी जीत चुका है। और एक तरफ है जिंगा हगाने, जिसे आज तक हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगा है, और वो कई सारे चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुका है ब्रांड। तो प्लेयर्स, बैटल के लिए रेडी रहो। 3, 2, 1, दिखा दो दम। और यहीं पर दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें शू कहता है कि जाओ स्प्राइसन, अपना पूरा दम दिखा दो। और फिर वहाँ पर जिंगा भी अपने पेगासस को काफ़ी सारे अटैक्स करने को बोलता है, और शुरुआत में ही दोनों कहते हैं कि इस मैच को फाइनल रखने का कोई भी जरिए नहीं रखता, हम इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद दोनों ही काफ़ी ज़ोरदार अटैक्स करते हैं और ऐसे ही एक दूसरे के मूव को काउंटर करते रहते हैं। और फिर यहाँ पर शू अपना अपर लॉन्च लगा रहा है, और जिंगा अपने स्ट्रांग रेंजर अटैक से उसका जवाब दे देता है। और फिर शू कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं हारने वाला दोस्त। जिंगा भी कहता है कि मैं भी नहीं हारने वाला। फिर जिंगा कहता है कि पेगासस बहुत ही लंबी बैटल लड़ सकता है, और मैं जहाँ तक चाहूँ पेगासस ही ये मैच जीतेगा। और वहाँ पर शू कहता है कि ठीक है, तुम जीतो, पर दिखाओ, जीत कर दिखाओ। और वहाँ पर शू सेंटर में जगह बना लेता है, मतलब सबसे पहले तो दोनों के अटैक से दोनों के ब्लेड ऊपर चले जाते हैं,
और जब नीचे गिरते हैं तब शू का बेब्लेड सेंटर में जगह बना लेता है, और सेंटर में जाते ही शू कहता है कि अब अटैक करके दिखाओ। और वहीं पर जिंगा काफ़ी सारे चक्कर मारता है स्प्राइजन को, पर सेंटर में जगह बनाने की वजह से उस पर कोई भी अटैक का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। और वहाँ पर शू कहता है कि मैं भले ही इस मैच को हार जाऊँ पर मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता कि मैं हारूँ या जीतूँ, मैं ये सब सोच कर खेलने नहीं आता, बस मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। जाओ स्प्राइजन अल्ट्रा काउंटर ब्रेक, और फिर जिंगा अपना मूव लगाता है जो कि है कॉस्मिक टोर्नेडो। और जब शू का स्प्राइजन कई सारे अटैक कर देता है पर जब वो अपना आखिरी वाला चक्कर मारने जाता है तभी जिंगा अपने टोर्नेडो में उसे फंसा कर स्टेडियम के बाहर कर देता है। जी हाँ, सबका हीरो शू वहाँ पर हार जाता है। इसको फैंस को थोड़ा बुरा भी लगता है कि इसे क्या हो रहा है यार, शू कैसे हार सकता है, पर शू कहता है कि हाँ यही सच है, मैं हार गया, भले ही मैं हार गया पर मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। और फिर जिंगा स्प्राइजन को उठाता है और शू को कहता है कि ये लो तुम बहुत अच्छा खेले, और फिर शू कुरेनाई हार जाता है। जी हाँ, मुझे भी यहाँ पर थोड़ा बुरा लगता है कि शू कुरेनाई बहुत ही अच्छा ब्लेडर है पर वो हार जाता है, या पर फैंस को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और जब वो बॉल्ट के पास जाता है तब वो कहता है मुझे माफ़ कर दो बॉल्ट, मैं उसे नहीं हरा पाया। और फिर बॉल्ट कहता है कि कोई बात नहीं शू, तुम बहुत अच्छा खेले, और फिर आइगा भी कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला। फिर शू कहता है हाँ, और जिंगा इस मैच को जीत जाता है। और फिर जिंगा सोचता है कि सच में ये ब्लेडर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, अगर मैं इससे और भी अच्छे से खेलता ना तो लगभग इसने मुझे हरा ही दिया था। अगर आखिरी चक्कर किसी भी वजह से लगता तो जिंगा इस मैच को नहीं जीत पाता, अगर उसका टोर्नेडो पूरी तरह से नहीं लगता तो वो हार ही जाता। और दोस्तों, इससे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे होगे कि टूर्नामेंट में सिर्फ मैचेस ही होते रहेंगे तो नहीं, मैंने एपिसोड बहुत से चीज़ मैंने सोच कर रखा है, जो अभी तो नहीं पर पहले राउंड ख़त्म होने के बाद आपको सेकेंड राउंड में देखने को मिलेगा। मतलब जब रागों की बैटल होगी तब से सीरीज में मज़ा आने लगेगा, इसलिए रागों की बैटल का इंतज़ार करते रहो, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, अभी तो बस एपिसोड 10 है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये एपिसोड थोड़ा सा उतना अच्छा भी नहीं था पर थोड़ा सा वेट कर लो, बस तुम लोग रागों की बैटल के लिए इंतज़ार करो, सीरीज में बहुत ही बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, बस उसका वो इंतज़ार करते रहो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो तब तक के लिए गुड बाय।